हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कुंदन सेन, एमएस ऑर्थोपेडिक, हड्डी का डॉक्टर, जो कि एपेक्स स्काईलाइन हॉस्पिटल झुंझुनू में अभी कार्यरत हूँ। और मैं ओपीडी में काफ़ी सारे पेशेंट्स को देखता हूँ जो घुटनों के दर्द से या फिर किसी प्रकार के जॉइंट के दर्द से परेशान हैं। तो आज मेरा टॉपिक एक्चुअली इसी के ऊपर है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। सामान्य भाषा में लोग इसे जोड़ों में होने वाला जो दर्द है वो भी बोल सकते हैं। ये उम्र के हिसाब से होने वाली एक जोड़ों की बीमारी है। ज़्यादातर ये नी जॉइंट या फिर घुटनों के दर्द में अपने को देखने को मिलता है, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये किसी भी और जॉइंट में, जैसे कुल्हे के जॉइंट में या फिर हाथों के छोटे छोटे जॉइंट्स में या किसी भी जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो सकती है एक उम्र के बाद। लेकिन 90% से ज़्यादा लोगों में ये घुटने में ही देखने को मिलता है। ये बीमारी क्या है, क्यों होती है और इसका इलाज क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो एक्चुअली हम ज़्यादातर ये बीमारी जैसे घुटनों की जोड़ों में ही ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि जैसे घुटने का जोड़ है, पहले हमको वो समझना पड़ेगा कि घुटने का जोड़ क्या है। तो घुटने के जोड़ में एक तो जहाँ पर भी दो जोड़ है वहाँ पर दो हड्डियाँ मिलकर एक जोड़ बनाती है। पहली ऊपर वाली हड्डी होती है, एक नीचे वाली हड्डी होती है। ऊपर वाली हड्डी को हम फीमर बोन बोलते हैं, नीचे वाली बोन को हम टीबिया बोन बोलते हैं। और जहाँ पर भी जॉइंट आता है वहाँ पर दो हड्डियों के बीच में जॉइंट बनता है, और दो हड्डियाँ एक दूसरे से ना टकराए इसलिए इसके बीच में दो गद्दी जैसी एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं। और उसके अलावा दोनों हड्डियों के एंड्स जो रहते हैं उनकी सरफेस पे एक रबर की जैसी गद्दी, या फिर आप बोल सकते हैं, हम मेडिकल टर्म में उसको कार्टिलेज बोलते हैं, वो होती है। तो दो तरह की प्रोटेक्शन है दो हड्डियों के बीच में, ताकि ये दोनों हड्डियां एक दूसरे से ना टकराए। लेकिन 30 ईयर के बाद स्लोली धीरे धीरे ये मेनिस्कस, जिसको हम सामान्य भाषा में गद्दी भी बोल सकते हैं, और ये कार्टिलेज, ये धीरे धीरे एक तरह से पतली होने लगती है या फिर घिसने लगती है। और 60 to 70 ईयर ओल्ड एज में ये गद्दियाँ पूरी तरह से, या फिर नहीं तो 80-90% पूरी तरह से घिस जाती है, और उस टाइम पे दोनों हड्डियाँ एक दूसरे से टकराने लगती है, और इसी समस्या को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। उसके अलावा एक समस्या और है इसमें कि जब दोनों हड्डियाँ एक दूसरे से टकराने लगती है तो नई नई और ख़राब हड्डियाँ आसपास बनने लगती हैं, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स। और ये ऑस्टियोफाइट भी कहीं ना कहीं दर्द का एक कारण बन जाता है। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस केवल उम्र के हिसाब से नहीं होता है, कभी कभी किन्हीं किन्हीं यंग पेशेंट में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है, लेकिन उनके कारण स्पेसिफिक है। जैसे कभी घुटने पे चोट लग जाना, या घुटने का कोई लिगामेंट टूट जाना, या फिर गद्दी को मार लग जाना जिसको मेनिस्कस बोलते हैं, या फिर गठिया बाई की बीमारी होना जिसके रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, या फिर वजन बहुत ज़्यादा होना, या फिर घुटनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस लोगों में जल्दी उम्र में, जैसे 40 या 50 साल की उम्र में हो जाता है। यूजुअली 60 साल की उम्र में देखने को मिलता है, अगर एज के अकॉर्डिंग होता है तो डीजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट जो है वो हमने 4 स्टेज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। एक्चुअली ये बीमारी तो नहीं है, लेकिन एक डिजेनरेटिव प्रोसेस है उम्र के हिसाब से होनी चाहिए। तो इसको 4 स्टेज में कन्वर्ट किया है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज में समस्या उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, और सामान्य गोली दवा और व्यायाम और कुछ चीज़ों में परहेज करने से ये समस्या काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। परहेज जैसे ज़मीन पर नहीं बैठना, पालती मान के नहीं बैठना है, सीढ़ियाँ कम से कम चढ़ना उतरना है, उसके अलावा वेस्टर्न टॉयलेट हम यूज़ कर सकते हैं। ये सब तरीके अपने आगे हम अपनी जो मेनिस्कस है या फिर गद्दियाँ हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा समय के लिए। उसी प्रकार से सेकंड स्टेज में भी यही ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके अलावा हम कभी कभी इंट्रा आर्टिकुलर मीन्स घुटने के अंदर इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा स्टेज आ जाए, या फिर जैसे ग्रेड 3 या ग्रेड 4 का ऑस्टियोआर्थराइटिस, जहाँ पर हड्डियाँ पूरी तरह से टकराने लग गई है, पेशेंट उठने में असमर्थ है, तो उस टाइम पर हम जोड़ प्रत्यारोपण करते हैं। और जोड़ प्रत्यारोपण आजकल काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, और मुझे लगता है कि पेशेंट्स को इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए, और अगर समस्या है तो डेफिनेटली सॉल्यूशन भी है। आप उचित समय पे डॉक्टर के पास जाके उपचार लें,
और आप अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच।